गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो अध्याय चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का, वो दूसरा अध्याय चल रहा है। और दूसरे अध्याय में हमने मूल अधिकारों की चर्चा की, नीति तत्वों की बात की। अब हम आगे चर्चा करेंगे मूल अधिकार और जो नीति तत्व हैं उन्हें प्रमुख रूप से क्या अंतर है और दोनों किस प्रकार से क्या है कि एक दूसरे से पूरक एक दूसरे से जुड़े हुए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा अध्ययन बिंदु है वो है नीति तत्व और मूल अधिकार में प्रमुख रूप से कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं, कौन कौन से अंतर हैं इनके बीच में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात आती है कि मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त। मौलिक अधिकार है व्यक्ति के, जो छह मूल अधिकार है उन अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय में उसकी सुरक्षा के लिए, उसके न्याय के लिए न्यायालय द्वारा उनको संरक्षण प्राप्त है, उनको विशेष अधिकार प्राप्त दिए गए हैं, जिसके तहत अगर किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकार का व्यक्ति के हनन होता है तो न्यायालय की शरण ले सकता है और उचित न्याय प्राप्त कर सकता है। बात आती है पे नीति तत्वों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं, नीति तत्व हैं उनको न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है। ये सिर्फ जो संरक्षण प्राप्त है ये सिर्फ मूल अधिकारों के अंतर्गत न्यायालय को प्रदान किया गया है, नीति तत्वों के अंतर्गत ये विशेषता नहीं पाई जाती। बात आती है मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, यानी कोई विशेष आपातकाल की स्थिति में विशेष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिस कारण क्या है कि मौलिक अधिकारों को स्थगित, यानी कुछ समय तक जो व्यक्ति को जो अधिकार मिलते हैं उन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उनके ऊपर कुछ पाबंदी लगाई जा सकती है। जबकि जो नीति तत्व है उन पर ये प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते, इनको स्थगित नहीं किया जा सकता, इनको रोका नहीं जा सकता। क्यों? नीति तत्व है ये व्यक्ति के जीवन से बिल्कुल स्पष्ट रूप से जुड़े हुए हैं और इनके अभाव में व्यक्ति का जीवन है वो निर्थक नजर आता है, असार्थक नजर आता है। बात आती है मौलिक अधिकारों में राज्य व नागरिकों के राष्ट्रीय महत्व के संबंधों की विवेचना, यानी मौलिक अधिकार है उनमें प्रमुख रूप से किन चीज़ों की विवेचना की गई है, किस चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। तो जो मौलिक अधिकार है ये व्यक्ति और राज्य इन दोनों से जुड़े हुए हैं और ये दोनों जो है वो राष्ट्रीय महत्व के हैं, यानी राज्य के अभाव में मौलिक अधिकार है वह व्यक्ति के विकास से संबंधित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि राज्य है वही व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार प्रदान करता है, संविधान प्रदान करता है, व्यक्ति के विकास से संबंधित ये होते हैं। तो ये दोनों जो है मौलिक अधिकार और जो अपने ये राष्ट्र है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बात आती है कि नीति तत्वों का जो संबंध है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है, नीति तत्व है वो फिर राष्ट्र से न जुड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे के जो देशों में जो संबंध है, जो नीतियां हैं, जो आपस में विवाद है, जो समाधान है, शांति है, सुरक्षा है, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो इनका जो स्तर है वो अंतर्राष्ट्रीय है, जबकि मौलिक अधिकारों का जो स्तर है वो राष्ट्रीय स्तर है और आम जनता से जुड़े हुए हैं। बात आती है अभी मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए राज्य को बाध्य किया जा सकता है, व्यक्ति के जो छह मौलिक अधिकार है अगर किसी भी प्रकार से किसी भी मूल अधिकार में कहीं भी कमी नजर आती है, कहीं भी असुरक्षा नजर आती है तो राज्य को इसके लिए पाबंद किया जा सकता है और इस स्थिति को सुधार करने के लिए उसको आदेश दिया जा सकता है, उसको सूचना दी जा सकती है। बात आती है नीति तत्वों के लिए बाध्य नहीं, यानी नीति तत्वों के लिए राज्य को सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता, जबकि जो मौलिक अधिकार है उसके लिए राज्य को इसके लिए प्रतिबंध किया जा सकता है, बाध्य किया जा सकता है। प्रमुख रूप से ये अंतर है। पहले एक बात इसमें ये और आती है कि नीति तत्वों के अभाव में जो मूल कर्तव्य उनका अस्तित्व नहीं है और मूल अधिकार के बिना नीति तत्वों को अस्तित्व नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है, एक के अभाव में दूसरा है वो स्पष्ट रूप से क्या है अपना वास्तविक स्थिति में नजर नहीं आता, वास्तविक स्थिति में प्रकट नहीं हो पाती। अब आती है मूल कर्तव्य की। मूल कर्तव्य है ये व्यक्ति से संबंधित है, यानी राज्य ने व्यक्ति को अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार तो वो राज्य द्वारा व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं और किस लिए प्रदान किए गए हैं कि व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, नैतिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति है, उन सभी प्रकार से व्यक्ति क्या स्वतंत्र है और अपनी इच्छा के अनुसार हर प्रकार से कार्य करने के लिए वो स्वयं की इच्छा पर निर्भर है। जबकि मूल कर्तव्य है अब ये व्यक्ति के अधिकार है, किसके प्रति? एक राज्य के प्रति, एक राष्ट्र के प्रति। जो व्यक्ति के जो दायित्व हैं वो प्रमुख रूप से किस में आते हैं? मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं आगे, मूल कर्तव्य संविधान के प्रारंभ में नहीं, यानी जब हमारा देश का संविधान निर्माण हुआ था उस समय क्या है प्रारंभ में मूल कर्तव्य संविधान में नहीं थे, मूल कर्तव्य संविधान में बाद में जोड़ा गया था, बाद में इनको अपनाया गया था आवश्यकता के आधार पर। बात आती है कि जो ये मूल कर्तव्य हैं
इनका प्रारंभिक स्थिति है या इनके बारे में जो चर्चा विशेष की गई थी वो किस समय की मानी जाती है, कौन सा उस समय विशेष कार्य हुआ था या कौन सी स्थिति उस समय उत्पन्न हुई थी जिस कारण क्या है मूल कर्तव्य की आवश्यकता महसूस हुई। तो ध्यान रखना कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या है कि मूल कर्तव्य भारत में जोड़े गए हैं। अब बात करें स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन किया गया था ये क्यों किया गया था, तो 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल लागू हुआ था उसी के संबंध में क्या है स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था और इसमें मूल कर्तव्य के बारे में साथ में चर्चा की गई थी। बात आती है कि जो ये मूल कर्तव्य हैं कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो ध्यान रखना कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में उसके द्वारा भारतीय संविधान में किसको जोड़ा गया है, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, उससे पहले भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। बात आती है कि संविधान के कौन से भाग में है वो मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है, तो ध्यान रखना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जो मूल कर्तव्य है उनको जोड़ा गया है, कौन से भाग में, भाग 4 के अंतर्गत। बात आती है कि कौन से अनुच्छेद में इन मूल कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन मिलता है, स्पष्ट जानकारी मिलती है, घटना अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है वो मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य किससे संबंधित है, व्यक्ति विशेष से संबंधित है। बात आती है कि जब संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, शामिल किए गए थे, तो उनकी संख्या उस समय कितनी थी, तो ध्यान रखना कि प्रारंभ में संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, बाद में जोड़े गए तो उनकी संख्या निर्धारित की गई थी 10 संख्या। तो ध्यान रखना प्रारंभ में अगर बात की जाए कि संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे तो मूल कर्तव्य कितनी बताई गई है, 10 बताई गई है। बात आती है कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था और किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था वो 2002 में हुआ था और उसके द्वारा क्या है कि मूल कर्तव्यों की संख्या में क्या है परिवर्तन कर दिया गया, उनकी संख्या बढ़ा दी गई। तो पहले जहां मूल कर्तव्य 10 थे उसके बाद में क्या हो गए, 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार पहले 10 थे और बाद में 86 संविधान संशोधन 2002 में हुआ उसके द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, तो शिक्षा से संबंधित है, और 11 जो मूल कर्तव्य किससे संबंधित है, शिक्षा संबंधित, बच्चों की विशेष रूप से शिक्षा के लिए। बात आती है कि व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा से, अनिच्छा से या केवल बाह्य दबाव के कारण ही नहीं करता अपितु नैतिक प्रेरणा के कारण भी करता है, यानी व्यक्ति जो कोई भी कार्य करता है वो अपने मन से करता है, कई बार इच्छा नहीं होती तो भी करता है, कई बार किसी दबाव के कारण भी करता है, लेकिन कई बार क्या वो नैतिक प्रेरणा से भी करता है। नैतिक प्रेरणा का मतलब हो गया कि व्यक्ति के जो आसपास में जो लोग रहते हैं, जिस स्थान पे वो रह रहा है, जिस जिले में वो रह रहा है, जिस क्षेत्र में उसके आसपास जो गतिविधियां जुड़ी हुई है, जो पर्यावरण वगैरह है, जो देश की संपत्ति है, उन सब का जो पालन है वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी के रूप में करता है। तो नैतिक कुछ उदाहरण समझेंगे जिससे ये बात स्पष्ट होती है। बात आती है माता पिता और संतान का परस्पर संबंध, यानी माता पिता है उनका संतान से संबंध होता है, किस रूप में, खून का रिश्ता है। तो माता पिता का दायित्व होता है अपनी संतान को उचित शिक्षा देना, उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना और उसे विकास से संबंधित हर मुद्दों पर विशेष ध्यान देना। तो वही संतान का दायित्व तो होता है अपने माता पिता के प्रति कि जब उन्होंने उसके लिए सब कुछ किया, उसका अच्छा पालन पोषण किया, अच्छी उसको शिक्षा दिलाई, तो जब माता पिता को आवश्यकता पड़े तो माता पिता की हर प्रकार से शारीरिक हो चाहे घरेलू हो चाहे स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं हो, उनको हर प्रकार से सुविधाएं उपलब्ध कराना, यानी एक दूसरे पर ये निर्भर है। अन्य जो उदाहरण है वो है पति पत्नी का संबंध, यानी पति पत्नी हैं वो दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि क्या है कि एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण क्या है कि दोनों का इनका जो रिश्ता है वो मजबूत होता है, एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य होते हैं, जो जिम्मेदारी होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के प्रति निभाते हैं, इस कारण पति पत्नी का संबंध भी इसका उदाहरण बताया गया है। मूल कर्तव्य का पालन प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य, ये जो मूल कर्तव्य है इसका पालन करना सिर्फ ये नहीं है कि विशेष जो उच्च व्यक्ति है वही करेंगे या जो निम्न व्यक्ति है वही करेंगे या मध्यम व्यक्ति है वही करेंगे, इनका जो पालन है वो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जाना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जब राज्य द्वारा सुविधाएं प्रदान की गई है तो राज्य के प्रति, देश के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व भी बनता है कि उसको जो आवश्यकता है, जो सुरक्षा है, जो व्यवस्था है, उसको बनाए रखने में व्यक्ति अपना पूरा सहयोग और अपनी संपूर्ण है वो तन मन धन सेवा से योगदान के और अपनी सेवा प्रदान करे। अब चर्चा करते हैं कि मूल कर्तव्य प्रारंभ में कितने थे, 10 थे और बाद में इसको एक जोड़ दिया गया था, कितनी हो गई मूल कर्तव्य की संख्या, 11 हो गई। अब उन 11 मूल कर्तव्य के बारे में अपन चर्चा करेंगे, कौन कौन सी बातें हैं जो व्यक्ति से संबंधित है, व्यक्ति के दायित्व है, किन किन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं,
इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो पहला अपना जो मूल कर्तव्य है वो है संविधान का पालन करना, यानी अपने देश में जो सर्वोच्च व्यवस्था है वो किसकी व्यवस्था है, जो देश में सर्वोपरि है वो है संविधान। संविधान के अंतर्गत ही क्या है, अपने देश की समस्त शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। यानी कहा जाए तो सर्वोच्च जो अपने देश का कानून है वो क्या है, संविधान है। और संविधान के नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बात आती है राष्ट्र ध्वज व राष्ट्र गान का आदर। जो राष्ट्र ध्वज है अपना तिरंगा, उसके प्रति प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत का है उसके प्रति उसको उसकी देखभाल करना, उसके हितों की रक्षा करना और उसका सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है। बात आती है राष्ट्रगान की। राष्ट्रगान है वो अपने देश को एक एकता में जोड़े हुए रखता है। हमारा जो देश है विविधताएं होने के बावजूद भी क्या है, एक ही राष्ट्र है, एक संप्रभु राष्ट्र है। अलग अलग राज्य होने के बावजूद भी एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था अपने देश में बनाई गई है। बात आती है राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों का पालन। यानी हमारे देश को जब आज़ादी प्राप्त हुई तो बहुत सारे संघर्षों से गुजरना पड़ा। ये जो आज़ादी हमें मिली है ये आसानी से नहीं मिली। हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे श्रेष्ठ जन हैं, जो हमारे गुरु वगैरह जो रहे हुए हैं, उन्होंने विशेष योगदान के द्वारा, विशेष संघर्ष के द्वारा ये स्वतंत्रता प्राप्त की है। तो हमें इस आदर्शों का पालन करना चाहिए और इन आदर्शों को वर्तमान समय में बनाए रखना चाहिए ताकि अपना अस्तित्व है वो कभी कमजोर न हो, हमेशा मजबूत रहे। बात आती है प्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण बनाए रखना। यानी भारत में क्या है, विविधता है, और विविधता होने के बावजूद भी क्या है, एकता है। क्योंकि भारत है वो किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है, भारत स्वतंत्र राष्ट्र है। दूसरी बात है कि इसमें विविधता होने के बावजूद भी, चाहे अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग सबके रहन सहन हैं, अलग अलग सबके खान पान हैं, अलग अलग भौगोलिक स्थिति हैं, उसके बावजूद भी भारत में एकता है और अक्षुण्णता, यानी इसके विभाजन को किसी प्रकार से नहीं होने देना है और जो इसकी एकता और अखंडता है उसको बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान देना है। देश की रक्षा आह्वान पर राष्ट्र की सेवा। प्रत्येक व्यक्ति का ये भी दायित्व बनता है कि देश की वो रक्षा करे, किसी भी अनैतिक स्थिति से उसको समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और देश के द्वारा जब भी आह्वान किया जाए, जब भी आग्रह किया जाए, जब भी उसको सेवा के लिए बुलाया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने दायित्व से पीछे न हटे और हर प्रकार से अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहे। कैसी भी स्थिति हो वो पीछे नहीं हटना चाहिए। बात आती है समानता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण। यानी देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या है कि उसको समान समझना चाहिए, किसी प्रकार से उसके साथ असमानता नहीं करनी चाहिए। और हम समस्त जो अपना देश है, अपनी जो पृथ्वी है, उस पर रहने वाले सभी को एक समानता के रूप में, एक भाईचारे की भावना के रूप में, एक भ्रातृत्व की भावना के रूप में सबको अपनाना चाहिए। सभी के साथ किसी भी प्रकार का, किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए। बात आती है धर्म, भाषा, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं। समानता स्थापित कब होगी, जब हम किसी के साथ भी क्या है कि उसके धर्म के आधार पे, उसके वर्ण के आधार पे, उसके वर्ग के आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, तब अपने देश में समानता स्थापित होगी। हम जैसे हैं वैसे हम दूसरे को समझें, कि अगर बुरा है तो उसका अच्छा करने का प्रयास करें, या बुरा करता है तो उसको सही राह है, सही मार्ग दिखाएं। बात आती है कुप्रथाओं का त्याग स्त्रियों के सम्मान के लिए। ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं के विकास में बाधक बनती है, महिलाओं को क्या है आगे बढ़ने में से रोकती है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना। महिलाएं हैं वर्तमान समय में शिक्षा प्राप्त कर रही है और शिक्षा प्राप्त करने के कारण क्या है कि वो अपने घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी जो आजीविका है उसमें भी परिवार का योगदान दे रही है। तो इसलिए आवश्यकता है कि महिलाओं से जुड़ी हुई जो कुप्रथाएं हैं कि उनको सिर्फ घर की चार दीवारें में ही कैद रखना, उनको बाहर एक काम के लिए नहीं भेजना और उन पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाना, तो ये सब चीज़ों का हटना बहुत आवश्यक है। इन सब चीज़ों के हटने से ही क्या है कि महिलाएं हैं वो स्वावलंबी बनेगी, आत्मनिर्भर बनेगी और पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करेगी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बात आती है संस्कृति की गौरव सारी परंपरा का महत्व समझे। अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यताएं हैं, रीति रिवाज है, उनका महत्व समझना। उनको क्या है कि कभी धूमिल नहीं होने देना, उनको समाप्त नहीं करना, क्योंकि अपनी संस्कृति है ये विश्व में एक प्रसिद्ध संस्कृति रही है। कारण क्या है कि यहाँ की जो वेशभूषा है, यहाँ के जो त्यौहार है, उत्सव है, इनका विशेष महत्व है और दूसरे देश के लोग हैं इनसे प्रेरणा ले रहे हैं और अपने यहाँ भी ये उत्सव है, त्यौहार है, संस्कृतियाँ हैं, ये अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। बात आती है वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा। ये नहीं है
कि हम सिर्फ व्यक्ति विशेष की ही मदद करें, हमारे अन्य कर्तव्य भी हैं, क्योंकि हम जिस स्थान पर रहते हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, उस क्षेत्र में जुड़ी हुई हर गतिविधि के प्रति अपने क्या है कि समानता की भावना होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, रक्षा की भावना होनी चाहिए। और जैसे अपन घर की अपनी सुरक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार है जो अपने वन है, झील है, उन संसाधनों की रक्षा करना और समय समय पे उनकी उचित देखरेख करना और उनका मरम्मत करवाने का कार्य भी क्या है कि व्यक्ति विशेष का होता है। क्योंकि पृथ्वी ने हमें जो कुछ दिया है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि जब आवश्यकता पड़े तो वापस हम भी कुछ उसकी सेवा करें, उसका सहयोग करें और उस स्थिति को सुधार करने में प्रयास करें। बात आती है पर्यावरण की रक्षा व प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, पर्यावरण की रक्षा करना। वर्तमान समय में स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो रही है कि व्यक्ति विशेष अपने लाभ के लिए क्या कर रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, पेड़ पौधे काट रहा है, हरी लकड़ियों को काट रहा है, वन क्षेत्र को समाप्त करना है कर रहा है। तो इन स्थितियों पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है। जहां भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है वहां उचित समय पर उचित कार्रवाई करनी आवश्यक है, सूचना देना पुलिस को आवश्यक है ताकि इन स्थितियों पर नियंत्रण लगाया जा सके और जो वन क्षेत्र में अपने जो नुकसान हो रहे हैं, जो हानि हो रही है, उस पर लगाम या नियंत्रण लगाया जा सके। बात आती है प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, यानी प्राणी मात्र यानी जो अपने छोटे हैं जी, अपने बड़े हैं या जो पशु पक्षी है उनके प्रति भी क्या है कि हम उनको समान रूप से उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, जैसे हम अपने परिवार के सदस्य ही करते हैं। तो उनके प्रति भी हमें समानता की भावना रखना चाहिए। जिन चीज़ों की आवश्यकता हमें होती है उन चीज़ों की आवश्यकता उनको भी अपने अपने स्तर पर होती है। बात आती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण है मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए नए वैज्ञानिक अनुसंधान करना, नई नई खोज करना, नए नए चीज़ों के बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करना ताकि जो समय है, जो धन है, उसके अपव्यय को रोका जा सके। बात आती है मानववाद की यानी मानव को कैसे एक विशेष पूंजी के रूप में बदला जाए, तो उसके लिए आवश्यक है उसको अच्छी शिक्षा मिलना, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध होना। बात आती है ज्ञानार्जन की, जो ज्ञान हमारे पास है उस ज्ञान को सीमित नहीं रखना, वो ज्ञान है वो अन्य लोगों में डिवाइडेशन करना, उसका विभाजन करना और अधिक अपने आप को क्या है कि ज्ञानवर्धन बनाने का प्रयास करना। बात आती है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। सार्वजनिक संपत्ति कौन सी हो गई, जो अपनी संपत्ति नहीं है, ऐसी संपत्ति जिनका देश के प्रत्येक नागरिक पर का समान रूप से अधिकार है, चाहे वो चिकित्सालय हो, चाहे वो शिक्षा संबंधी क्षेत्र हो, चाहे वो अपनी संस्कृति के धरोहर हो, चाहे वो वन हो, झील हो, इनके प्रति जो सुरक्षा है वो भी व्यक्ति का प्रमुख रूप से दायित्व बनता है। बात आती है हिंसा से दूर रहना, यानी जहाँ भी लगे कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उस लड़ाई झगड़े को बढ़ाने के बजाय उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना और अपने आप को ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं करना जो हिंसा से संबंधित है। और जो हिंसा से जुड़ी हुई गतिविधियाँ हैं, जो क्षेत्र है, जो व्यक्ति इनसे जुड़े हुए हैं, उनको भी सही तरीके से सही सलाह दे के उन हिंसा से दूर करना और उसे बाहर निकालने का प्रयास भी व्यक्ति विशेष का होता है। बात आती है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सुधार, यानी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, जिस क्षेत्र से वो जुड़ा हुआ है, चाहे वो अपना स्वयं का रोजगार कर रहा हो, चाहे किसी वो उद्योग कारखाने में काम कर रहा हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, तो उसका प्रमुख दायित्व तो बनता है प्राथमिक स्थिति है कि स्वयं के जो व्यक्तिगत स्तर है उसमें सुधार करना। और जब उस स्तर में सुधार होगा तो क्या होगा कि जिस क्षेत्र से वो जुड़ा हुआ है उसका स्वाभाविक रूप से विकास अपने आप हो जाएगा। बात आती है कि जो 11वां मूल कर्तव्य था वो प्रमुख रूप से किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था और उसमें प्रमुख रूप से जो वर्णन किया गया था वो शिक्षा से संबंधित था। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, जो बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें, यानी पिछड़ी हुई जातियाँ हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे बच्चों को क्या है विद्यालय की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, या परिवार में जो रहने वाले माता पिता है या उनके जो जिनका दायित्व बनता है वो अपने दायित्व को निभा नहीं पाते हैं और बच्चों को प्रारंभ से ही काम में लगा देते हैं जिस कारण उनको शिक्षा नहीं मिल पाती। तो प्रमुख रूप से जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है ये छोटे बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब ये शिक्षा कैसे उनको उपलब्ध होगी, कैसे दिलाई जाए, तो इसमें प्रमुख रूप से शिक्षा दिलाना माता पिता व संरक्षक का दायित्व है, यानी बच्चे को शिक्षा के प्रति कैसे उसको सांचे में डाला जाए, कैसे उसको शिक्षा दिलाई जाए। तो स्वयं जो प्रथम कार्य बनता है, प्रथम जो कर्तव्य बनता है वो है माता पिता का, कि माता पिता कर्तव्य अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करें ताकि आज वो उसको शिक्षा दिलाएंगे तो भविष्य में उसका क्या है कि सर्वांगीण विकास होगा और अच्छा कार्य मिलेगा और उसके जीवन स्तर में सुधार होगा। साथ में जो संरक्षक है यानी माता पिता के अलावा वो जिसके पास ही बच्चा रह रहा है उस संरक्षक का भी ये दायित्व है कि उस बच्चे को उचित शिक्षा दिलाए और उसके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण अपना योगदान दे।